नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। हाजीपुर के वैशाली जिला में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर SDPO के नेतृत्व में कंटेनमेंट जोन फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें लोगों से घरों में रहने की अपील की गई, वहीं दुकान ना खोलने की चेतावनी भी दी गई। देखिए, हाजीपुर के वैशाली जिला में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी उदिता सिंह के आदेश के बाद हाजीपुर सदर SDPO राघव दयाल के नेतृत्व में कंटेनमेंट जोन फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में भारी संख्या में पुलिस बल विभिन्न चौक चौराहों पर मार्च किया, लोगों से घरों में रहने की अपील की। वहीं SDPO राघव दयाल ने कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की दुकान नहीं खोलने की चेतावनी दी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर जो लोग कंटेनमेंट जोन के नियम का उल्लंघन करेंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के फ्लैग मार्च से हाजीपुर में अफरा तफरी मची रही और लोग अपनी दुकानें बंद करते हुए दिखाई दिए। गौरतलब है कि जिलाधिकारी को कंटेनमेंट जोन के उल्लंघन की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने जिले के सभी अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन के नियम को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।